करेला जो गुणों से भरपूर है, इसको मैं टेस्टी और कैसे बना सकती हूँ ये बताती हूँ। तो चलिए सीखते हैं स्टफ करेला। जैसा कि मैंने बताया कि करेला गुणों से भरपूर होता है, ये डायबिटीज़, पाइल्स, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो करेला को अब ऐसे तो खाने में बहुत कड़वी होती है, लेकिन इसको एक अच्छे से डिश बना करके इसको खाया जा सकता है। ये मैंने 3 करेले लिए हैं, इसको दोनों साइड से काट के अपने अकॉर्डिंग पीसेस बना लेंगे। और इसको बॉईल कर लेंगे। ये देखिए हमारे करेले उबल के तैयार हो चुके हैं। अब इसको बीच से कट करके और इसके बीच के पोर्शन का ये जो बीज है वो निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे कट करेंगे इसके बीज का, या तो नाइफ की मदद से आप निकाल सकते हैं या स्पून से भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने सारे करेले के बीज निकाल लिए हैं। अब इन सबको मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। मैंने 1 प्याज लिया है जिसको चॉप करके रखा है। ये 5 से 6 मिर्ची, ये कच्चा आम, 10 से 12 कलियां लहसुन की, और ये करेले के बीज को इसी में डाल के पेस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने पैन गरम किया, ये सरसों तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये मैंने पचफोड़ना डाला है, ये इस पेस्ट को इसमें डालेंगे। ये मैं मसाले को भून लूँगी। अब मसाले में 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये 2 टीस्पून मैंने सरसों लिया है, इसका इसको पाउडर बना के 1 चम्मच पानी में थोड़ी देर भिगो के रखेंगे। अब मैं इसमें सरसों का पेस्ट डालूंगी। थोड़ी देर और भूनेंगे। ये मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, पर इसको ठंडे होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको 2 टेबल स्पून पानी के साथ मिक्स करेंगे। हल्की गाढ़ी सी इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मसाला अब ठंडा हो गया है। अब करेले में इस मसाले को ऐसे भरेंगे। ये पैन में तेल ले लेंगे, मैंने सरसों तेल ही लिया है। ये देखिए बेसन का घोल का हमारा इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। इसमें मैं करेले को ऐसे डिप करूंगी अच्छे तरह से कोट करके।
इसको आप घर पे जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, और मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे लगे। थैंक यू।